सुनो ना, मसाला भी पूछ लेते। मोटा मोटा सा बाइट है वो नहीं आए, बस ऐसे दर दर टाइप मैंने इसको पीस दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम में टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और अब मैं जाने वाली हूँ मार्केट, क्योंकि प्रमोद को भी है टाइम, तो हम लोगों ने सोचा चलो मार्केट के काम जो है वो करके आते हैं। जैसे अभी अचार वगैरह डालना है तो मुझे ना लानी थी कैरी, और जैसे साल भर के मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब हम लोग बना के रखते हैं ना, तो वो सब चीज़ें मुझे लानी, प्लस मुझे गरम मसाला बनाना है तो उसके लिए भी खड़े मसाले जो है वो लेके आने। तो मैं अपने चॉइस से बनाती, मतलब मुझे गरम मसाले में क्या क्या चाहिए उसी हिसाब से मैं खड़े मसाले लेके आती हूँ और फिर घर पे गरम मसाला बनाती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अचार की रेसिपी भी पिछले साल शायद मैंने, हाँ पिछले साल मैंने आपके साथ में शेयर की, इस साल भी बनाऊँगी मैं। और मैं अचार का मसाला जो है कुछ घर पे थोड़ा सा मसाला बनाती हूँ और कुछ रेडीमेड पैकेट लाने लगी हूँ अभी, तो उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। अब बच्चों के स्कूल जो है कल से स्टार्ट होने वाले हैं और बारिश का भी सीज़न स्टार्ट हो ही रहा है, तो सोचा चलो पहले ये बाहर के जो काम है वो करके आते हैं, तो इसलिए भी मैं निकलूँगी। खाना वगैरह सब मैंने बना लिया है, आने के बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाहर धूप इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इसलिए हम लोगों ने पहले सोचा था 10 बजे तक निकलेंगे, लेकिन काम जो है वो थोड़ा सा लेट होते गए, तो 12 बज रहे हैं, तो अभी इस टाइम पे हम लोग निकलने वाले हैं। आज कैरी मिल जाए तो अच्छा है, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैरी मैं काट के ही लेके आऊँ। पिछले साल, हाँ कैरी मैंने, मेरे यहाँ पे ना एक पेड़ है तो उसमें बहुत सारी कैरियाँ थी, तो उस टाइम पे मैंने वहाँ से कैरी लेके आई थी, खरीदी नहीं थी, तो उसका अचार बनाया था। ऐसा एक हाथ बारी हो जाता है कि फ्री वाली कैरी मिल जाती है और उसका अचार बनाती हूँ, बट आज जो है और इससे पहले भी मैं खरीद के ही कैरी लाती थी और अचार बनाती थी। तो अभी जा रहे हैं मार्केट में, तो बस ये है कि कैरी काटने वाला मिल जाए, और सीजन के टाइम पे ही रहता है, उसको भी ढूंढना पड़ता है, वो मिल जाए कैरी ले लूँगी, काट के ही लेके आऊँगी, ताकि मेरा जो कैरी काटने वाला जो काम है ना, बहुत मुश्किल वाला है, वो टल जाए। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं, रेडी होती हूँ और निकलती हूँ। धाना के पतील, हाँ वो भी 3 किलो दे देना भैया, वो साफ वाला दे देना। तुरंत डालना पड़ेगा कल, हाँ आज रात में नमक लगा के और कल सुबह अचार पहले डालना पड़ेगा। सरसों में नहीं बना देते अपन पहले भैया, बहुत ज़्यादा पकी नहीं लग रही है, इससे खराब तो नहीं होता, कोई खराब नहीं, यही साइज खट्टी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए थी। हाँ बस, तू मुझे ले, मैं तुझे लेती, है ना, ज़्यादा खट्टी नहीं। सुनो ना, मसाला भी पूछ लेते। कौन सा वाला है? हाँ। कितना ला? 1 किलो चाहिए था मसाला, आधा आधा किलो की गया ये पैकेट। हाँ। तो अभी सीजन है तो मुझे अचार की कैरी तो मिल ही गई, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा ये था कि कैरी काटने वाले मिलने चाहिए, तो वो भैया भी यहाँ पे मिल गए, तो वो कैरी काट रहे और मैं वहीं पे खड़ी थी। ये करीबन 4 kg कैरी है, वो काटने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो प्रमोद साइड से सब्जियाँ खरीद के ला के दे रहे थे और मैं यहीं पर खड़ी थी। और इसी तरह ना हमारा ये जो सब्जी वाला मार्केट है, मतलब काम जो है वो भी हो गया और यहाँ पे ये कैरी भी कट गई है। ये होने के बाद में फिर ही हमारी मतलब परमानेंट शॉप हो गई है, यहीं पे आके हम लोग गन्ने का जूस जो है वो पीते, क्योंकि यहाँ का जूस बहुत अच्छा है और गर्मी इतनी है ना, तो जूस
पीना तो बनता ही है, खाना या स्नैक्स कुछ भी मत खाओ, लेकिन मार्केट आने के बाद में ये जूस ज़रूर पियो, गन्ने का जूस। ये हम लोग जब भी मार्केट आते तो यही पे जूस पी के जाते, ये ऑल टाइम खुली रहती है दुकान। उसके बाद में हम लोग आए यहाँ पे, एक आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप है, तो यहाँ से हमें लेना था जॉयसी के लिए शैम्पू। उसका हेयर फॉल फिर थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आयुर्वेदिक शैम्पू जो है वो उसको मैं यूज़ करके देखने वाली फ़र्स्ट टाइम, तो वो ही मैं यहाँ पे देख रही थी। फिर हम लोग दोपहर तक घर में पहुँच गए थे, थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम लोग काम में लग गए थे। हम लोग मतलब अभी मुझे जॉयसी भी थोड़ा हेल्प कर रही है और रेक्स भी, ये जो कैरी का कचरा है वो निकाल के कैरी को बहुत अच्छे से साफ़ कपड़े से हमें पहुँचना था, तो वो कर रहे हैं। हल्दी इसमें करीबन मैंने 2 चम्मच डाली है, मतलब ये 2 बर्तन में लिए हैं मैंने, एक ही बर्तन में कैरी नहीं आ रही थी, बर्तन छोटे या कैरी ज़्यादा ऐसा कुछ है ये। तो यहाँ पे मैंने ये जो मोटा वाला नमक है उसको ना मैंने खलबत्ते में कूट के, मतलब बहुत मुझे पीसना नहीं था, थोड़ा मोटा ही रखना था, तो इस तरह से वो नमक और हल्दी में कैरी में लगवा रही हूँ, तो अच्छे से लग जाती। हाथ से भी मिक्स करके लगाओ तो भी चल जाता, लेकिन मैं इसी तरह से इसमें लगा रही। अब इसको मुझे बांधना है कपड़े में, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ये जो कपड़ा है, 4-5 साल से मैं इसी कपड़ा, मीन्स ये दुपट्टा है मेरा, एक सूट था उसका ये दुपट्टा है और पतला सा है, और इसमें बांध के मैं रात भर कैरी को लटका के रखूँगी अभी, ताकि इसका जो खट्टा पानी है वो निकल आए। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और मैं ये कैरी का काम जो है वो पहले कर रही। देखिए कपड़ा कैसे गीला हो गया और जो खट्टा पानी है वो बूंद बूंद से नीचे आ गया था, तो अब मुझे पहले काम करना है, इसको सुखाना है, और इसको मैं धूप में नहीं सुखाती। ये देखिए कैसा पानी खट्टा वाला इकट्ठा हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको खोलती हूँ और पेपर पे मैं इसको बिछाऊंगी, मतलब कैरी को नहीं, कपड़े के साथ, इसी कपड़े के साथ पेपर पे मैं इसको रख रही, नहीं तो नीचे ना ये येल्लो येल्लो दाग है ना जो टाइल्स में लग जाएंगे, इसलिए मैंने पहले पेपर बिछाया, अब उसके ऊपर ये कपड़े को, और मैं फ़ैन के नीचे इसको सुखाने वाली हूँ करीबन 5 से 6 घंटे। धूप में मैं नहीं सुखाती हूँ इनको, और ये देखिए इस तरह से मैं इसको सुखा लूँगी। मोटा वाला जो नमक है वो तो हमें लेना ही नहीं, वो फेंक देना है। यहाँ पे ना मैंने मंचूरियन के लिए ये गाजर जो है बारीक ग्रेट कर लिया है, बारीक वाला जो ग्रेटर का आता है उससे एकदम बारीक कर लिया, ताकि मुझे ना इसको ग्राइंड करना नहीं पड़े। दूसरा ये शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने थोड़ा सा कट करने के बाद में एक बार मिक्सी में घुमा दिया था, और ये है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को भी मैंने इस तरह से कर लिया, ताकि खाते समय जो मंचूरियन में मोटा मोटा सा बाइट है वो नहीं आए, बस ऐसे दर दरा टाइप मैंने इसको पीस दिया है। अब है ना इसमें पत्ता गोभी और गाजर में थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो थोड़ा में जो पानी आ जाता है ना, तो ये पानी जो है मैं अभी निकाल दूंगी। ये इस तरह से जो पानी आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये पानी को मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, काफी हद तक है। देखिए ये इतना सारा पानी, तो हमें इतना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, करीबन 4 से 5 चम्मच तो भी मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी, और अगर कम पड़ता है ना तो थोड़ा सा मैदा भी, कम मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा डाल के इसके अपन बॉल बना सकते हैं। अगर आप चाहिए तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, चावल के आटे से थोड़ा सा कुरकुरे बॉल बन जाते हैं, और नहीं चावल का आटा डालना है तो मैदा भी डाल के, डाल रही हूँ नमक, ये ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मैं इसमें ना ये बेकिंग सोडा है वो डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे, 2-4 चम्मच इसमें मैदा डालूंगी। अब मैं ना इसके मीडियम साइज़ के मंचूरियन के बॉल बनाऊंगी। बैटर थोड़ा ज़्यादा है ना तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, वैसे मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन जो इसके लिए ग्रेवी लगेगी ना उसकी भी करके रखी है, प्लस मैंने जो नूडल्स भी बनाने हैं उसकी भी सब्जियों की चॉपिंग जो है वो करके रखी, क्योंकि टाइम इन चीज़ों में लग जाता है इसीलिए।
ये यहाँ पे मैंने इतने मंचूरियन के लिए बॉल बना दिए, अब इनको हम ना डीप फ्राई करेंगे और उसके बाद में एक साइड में मैं मंचूरियन के जो ग्रेवी सूप बनता है वो भी बना लेती हूँ। मंचूरियन के ये जो वेजेस बॉल है ना, तो इनको मैं मीडियम गैस पे और अंदर तक पके इसके लिए डीप फ्राई करना है, इसको शैलो फ्राई नहीं करना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, इसको भी हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अभी इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी, इस तरह से एकदम बारीक चॉप किया है, तो पत्ता गोभी को डाल दूंगी मैं। और यहाँ पे ये गार्लिक जो है मैंने इस तरह से बारीक चॉप किया है वो भी डाल दूंगी, मतलब अभी जितनी भी सब्जी है इस पेज पे हम लोग डाल देंगे। ये जो मैंने स्लाइस में प्याज कट किया है ना, तो ये हमें लास्ट में डालना है जब सूप रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद में। हरा वाला जो प्याज है ना वो नहीं है मेरे पास, बस एक उसी की कमी हो गई आज पेस्ट पे, वो डाल रही हूँ। फास्ट गैस पे ही इनको मैं थोड़ा भून रही हूँ, स्मोकी सा जो टेस्ट है ना वो आता है ना, ये सब ये डार्क नहीं है, थोड़ा लाइट वाला है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा सोया सॉस डाल दिया कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाना है। ये मैंने ना करीबन 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और पानी डाल के इसका पेस्ट बनाया है, तभी तो हमारा सूप बनेगा ना इसके लिए। थोड़ा 10 मिनट अच्छे से इसमें होने देंगे ताकि ना बॉल जो है ये सूप को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। बस तो यहाँ पे हमारा ये वेज मंचूरियन रेडी हो गया है। तेल कब से गर्म हो रहा है। ग्रेवी मंचूरियन मेरा रेडी हो गया, अब मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स। उसके लिए जितनी भी वेजेस लगती है उसको मैंने चॉप करके रख दिया था, तो अभी मैंने कैप्सिकम और कैरेट तो डाल ही दिया इसमें, अब मैं कैबेज डाल दूंगी और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ ताकि थोड़ा स्पाइसी सा हो जाए। थोड़ा स्पाइसी रहेगा तो अच्छा भी लगता है ना इसलिए, और हम लोगों को पसंद भी है वैसे। तो चलिए यहाँ पर मैंने ना ये कैबेज जो है वो भी डाल दिया, बाकी हक्का नूडल्स जो है वो मैंने पहले ही बॉइल करके रख दिए थे। तो अभी यहाँ पे हक्का नूडल्स है वो एक 10-15 मिनट में हो ही जाएगा और टाइम भी हो रहा है, 12 बज रहा है, सबको वैसे भूख भी लग गई है। इसके बाद में हम लोग लंच करेंगे, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर वही वो अचार का जो काम है, मतलब कैरी जो है वो इतनी देर में सूख गई होगी क्योंकि 6-7 घंटे पहले मैंने उसको फ़ैन के नीचे सुखाने के लिए रख दिया था। तो लंच करती हूँ, उसके बाद में फिर मेरा अचार बनाने का काम, तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते, वो तो मुझे आज बनाना ही पड़ेगा। तो ये रहा आज का लंच का मेनू, आज बर्थडे के दिन हम लोगों ने ये बनाया है। तो आज बर्थडे स्पेशल में ना थोड़े मेनू जो है खाने के वो मैंने ज़्यादा बनाए हैं, मतलब जैसे वेज मंचूरियन बनाया था, फिर नूडल्स बनाए थे और उसके बाद में रोटी और चिकन करी भी बनी थी जो मैंने आपके साथ मैंने शेयर की। नॉर्मली जो भी चिकन बनता है उसी हिसाब से मैंने चिकन भी बनाया था, वो सब हो गया, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैं 2 बजे हम लोग है ना खाना खा के फ्री हो गए थे, अभी 1 घंटा में थोड़ा सा बैठी थी, उसके बाद में फिर मैंने अचार बनाने के लिए ले लिया था क्योंकि कल ही हम लोग कैरी जो है वो अचार की काट के लेके आ गए थे और मैंने हल्दी नमक लगा के उसको रख दिया था। अब अचार जो है मुझे आज किसी भी हालत में उसको बनाना ही पड़ेगा, अगर मैं और मतलब एक दिन भी बढ़ाती हूँ तो कैरी थोड़ी पक जाएगी, फिर अचार जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कैरी का जो ऊपर का कवर है वो भी फैन में सूख जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी क्या किया, तेल में मसाले डाल के रखा और वो तेल जो है वो तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में मैं उसको मिक्स करूँगी। तो वो तेल जो है वहाँ पर अचार का तेल और जो मसाला है वो वहाँ पर ठंडा हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा तेल जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं ये मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। कैरी जो है करीबन 7 से 8 घंटे मैंने इसको फैन के नीचे सुखाया है, धूप में बिल्कुल भी नहीं,
अब इसमें हमें जो मसाले डालने वो बता रही मैं। तो ये राई है, तो ये राई मैंने आधा किलो लिए, मसाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने करीबन एक किलो ये रेडीमेड अचार का मसाला लिया है। तो ये अभी मैंने प्लेट में आधा किलो निकाल के रखा है, आधा किलो पैकेट में है। ये जो खड़े मसाले रखे थे ना जिनको मैंने भून के रखा था, अब इनको पीस लिया तो ये इतना बन गया। करीबन 3 टेबल स्पून ये जो मसाले का पाउडर है, मतलब अपना होममेड पाउडर, वो रेडी किया है मैंने। यहाँ आधा किलो गुड़ है ये, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है जो हमें अचार में अभी ऐड करना है। हल्दी वहाँ पे लिया है मैंने करीबन 3 टेबल स्पून लिया है, 3 बड़े टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। ये करीबन 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ली, मिर्च पाउडर और गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है, कोई भी फ्रूट विनेगर आप ले सकते हो। नमक है, ये नमक और हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ती है अचार में। ये तेज पत्ता जो है मैं अभी वो निकाल दे रही हूँ। और अभी सबसे पहले हमें इसमें डालना है राई, तेल गरम है तो उसमें हमें पहले डाल देनी है ये राई। ये अपना जो रेडीमेड अचार का मसाला है ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये अभी पहले मैंने आधा किलो डाला है, अब और आधा किलो मैं इसमें डालने वाली हूँ। जिनके यहाँ पर अचार का मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कैरी से बेटर के लोग हैं ना, ये अचार का मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो अचार वाली राई है वो थोड़ी सी फिर ज़्यादा डाल देनी है। तो मैं 5 किलो जो कैरी है मेरी, सॉरी 4 किलो कैरी है, उसके लिए करीबन यहाँ पे 2 किलो तक का मसाला रेडी हो रहा है। अब ये जो मसाला पाउडर हमने बनाई थी ना वो इसमें डाल दे रही हूँ। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद ही इसमें हमें कैरी डालनी है, गरम गरम इस मसाले में हमें कैरी नहीं डालनी है। अब ये यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये नमक, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो अचार का मसाला जो है वो ठंडा हो जाए। और कैरी भी है वहाँ पे अच्छे से निकाल के रखी, मतलब उसका पूरा पानी जो है अच्छे से निकल चुका है। फिर यहाँ पे गुड़ और विनेगर रखा है, बस अब इन तीन चीज़ों को मिक्स करना है। अचार का तेल जिसमें है ना, बस यही बर्तन में है, आज पूरे रात भर ये अचार को वैसे ही रखूँगी और नेक्स्ट डे इसको मैं जो भी अपने सिरेमिक के छारे उसमें भर के रखूँगी। तो आज बर्थडे के दिन हम लोगों ने मतलब सोचा नहीं कि कहीं जाए, कि प्रमोद का नाइट ड्यूटी है, घर पे ही है, पर आज हमने सोचा कहीं नहीं जाते क्योंकि शाम को जो है मुझे बाहर काफ़ी काम है, तो इसके कारण फिर मेरी बहुत भागा दौड़ हो जाएगी। मतलब उधर जाके शाम का प्रोग्राम भी रहेगा बाहर जाने का, फिर सुबह खाना भी बनाना, तो जाए तो कब जाए, धूप भी है बाहर, तो फिर सुबह के टाइम तो हम जा ही नहीं सकते बाहर, तो शाम को ही जाने का मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है कहीं बाहर जाओ या कोई मूवी देखो। और शाम को तो मैं बिज़ी हूँ इसलिए आज मेरे बर्थडे पे तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे, बस खाना वगैरह अच्छा सा बनाया है, चारों साथ में है और मेरा गिफ्ट भी आ गया है। गिफ्ट तो मैं अभी आगे आपके साथ में शेयर करूँगी कि प्रमोद ने भी क्या गिफ्ट दिया है और मैंने भी प्रमोद को उनका जो बर्थडे अभी आके गया है, हम लोगों ने एक दूसरे को क्या गिफ्ट दिए वो भी बताऊँगी। जैसे कि इधर पढ़ाई चल रही है और प्रमोद की ड्यूटी है तो खाना वगैरह खा के वो तो सो रहे हैं और हम लोग यही कमरे में बैठे हैं, एक सब ने अपने कमरे में बैठा है। बर्तन आंटी करके गई है, बस अभी मैं किचन में उसको लगा दूँ, जैसे 4:30 हो जाएगी तो मुझे बाहर जाना है। मैं एक बार बाहर चली गई ना तो मेरा जल्दी अंदर आने का कोई टाइमिंग नहीं रहता है। तो अचार का काम जो है मुझे आज किसी भी हालत में करना ही था। अबे ना यहाँ पे तेल है ना पूरी तरीके से ठंडा हो गया था, उसके बाद में ही ये जो कैरी है कटी हुई मैं इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें ना नमक अटका हुआ है, मतलब मोटा वाला वो नमक, तो उसको भी हटा दे रही हूँ मैं। और गुड़ और ये मैं साथ में ही मिक्स कर लूँगी, गुड़ चाहिए तो 2-4 दिन के बाद में भी इसमें डाल सकते हो।
अब ये तेल और मसाले के बैटर में मैंने कैरी डाल दी है, बारीक किया हुआ गुड़ और 4 बड़े टेबलस्पून मैंने इसमें फ्रूट विनेगर भी डाल दिया है, और ये 1/4 छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे सिरका लिया हुआ है वो भी इसमें डाल दिया। अब इनको ना हमें अच्छे से मिक्स करके रखना है। मैं करीबन 1.5 से 2 दिन तक ये ही बर्तन में ये कैरी के अचार को रखने वाली हूँ खुला ही, चाहिए तो एक ढक्कन रात के समय इसमें रख देंगे। मैं ये अचार बना रही थी तभी उस टाइम पे जोयसी ने आज केक भी बना दिया, तो बर्थडे है और केक नहीं तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने यहाँ पे ना ये केक भी उसके हिसाब से बना दिया था। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।